नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। हज और उमरा के लिए सबसे भरोसेमंद नाम बिस्मिल्ला टूर्स एंड ट्रेवल्स। हमारा पता है रोड नंबर 4 उतेलवा औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर अमेठी। हमें संपर्क करने के लिए 8787095687 या फिर 9648359898 पर कॉल करें। हमारी खासियत है कि हम एक सफर में 3 उम्रा के साथ ताइफ की जियारत भी कराते हैं। अधिक जानकारी के लिए बताए गए नंबर पर रुखसार अहमद से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी का निधन हो गया। बता दें कि आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे, जिसकी वजह से उनका मेदांता में इलाज चल रहा था। सुल्तानपुर में कोड़ेभार थाना के फूलपुर गांव में रहने वाले रमेश कुमार की गला रेतकर हत्या करने के बाद लौलुहान शव को घर की दूसरी मंजिल पर बरामद किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुल्तानपुर में कोतवाली नगर के लोलेपुर गांव के रहने वाले 26 साल के आमिर उर्फ बाबू सुख मुख्तार अहमद की ट्रक से एक्सीडेंट होने से मौके पर मौत हो गई। अमेठी में जैश कोतवाली के मौलवी कला गांव के पास देर शाम बाइक सवार 3 युवक सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर टाली में पीछे से आकर घुस गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अमेठी में थाना जगदीशपुर पुलिस ने पटाखों की अवैध बिक्री करते हुए मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 24 गत्तों में अलग अलग अवैध पटाखे बरामद किए हैं। बहराइच में शाही घंटा घर के निकट मुस्लिम मुसाफिर खाने के पास से चोर ने दिन दहाड़े एक स्कूटी लेकर फरार हो गए। लखीमपुर खीरी में उचौलिया थाना के एक घरा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र से घर जा रहे बच्चे गायब हो गए। काफी तलाश के बाद एक बच्चा गन्ने के खेत में प्लास्टिक की बोरी में बंद मिला तो दूसरा बच्चा वहीं से थोड़ी दूर पर बैठा मिला। बच्चों से जानकारी मिलने पर पुलिस ने गांव में ही रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रामपुर में आगामी त्योहारों अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एसपी राजेश द्विवेदी ने पुलिस बल के साथ भीड़भाड़ वाली जगहों पर पैदल गश्त किया। कानपुर में डीएवी कॉलेज के छात्र पुलिस से भिड़े और जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान बच्चों ने एसीपी को सड़क पर धक्का देकर गिरा दिया। वाराणसी में थाना लालपुर के कैंट सर्किल में पांडेपुर जेल चौका घाट में कैदी से मिलने चंदौली से आए व्यक्ति के पास से खीरे के अंदर गांजा बरामद किया गया। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।